जादुई कंबल। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महात्मा रहते थे। वो एक कंबल लपेटे हुए और अंजनी वाद्य यंत्र बजाते हुए पूरे गांव में घूमते रहते थे और लोगों से उनका दुख दर्द पूछते रहते थे। लोगों का भी उनके प्रति काफी प्रेम स्वभाव था। उनकी खास आदत ये थी कि जब भी कोई व्यक्ति उन्हें अपना दुख दर्द बताता तो वो उस व्यक्ति का दुख दर्द दूर कर देते थे। एक दिन किसी पास के गांव से एक विद्वान पुरुष उनके गांव में आता है। उस समय महात्मा गांव के एक व्यक्ति के पास उसके दुख दर्द को पूछ रहे थे। उस व्यक्ति ने बताया कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो एक कदम भी नहीं चल सकता, इसलिए वह किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। कृपया आप ही कुछ कीजिए, आदमी की दर्द भरी आवाज सुनकर महात्मा जी ने कहा, यहाँ लेट जाओ। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी तुरंत वहीं लेट जाता है। फिर महात्मा जी अपने उस कंबल को उस व्यक्ति के पेट पर डालते हैं और हल्के हल्के से हाथ फेरते हैं और कंबल को उठा लेते हैं। कुछ समय बाद वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि महात्मा जी, मेरा पेट दर्द बिल्कुल गायब हो गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो महात्मा जी को धन्यवाद देता है। उनके इस चमत्कार को देखकर पास ही खड़े दो और व्यक्ति कहते हैं कि महात्मा जी, आपने इस व्यक्ति के दर्द को गायब कर दिया, कृपया अब इसके घर खाना खाकर ही जाएं। ऐसा सुनकर महात्मा जी कहते हैं कि अगर तुम इतने प्यार से बोल ही रहे हो तो चलो ठीक है। महात्मा जी उस व्यक्ति के घर जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन करने के बाद वह वापस अपनी कुटिया पर आते हैं। ये सब चमत्कार होते हुए वह विद्वान पेड़ के पीछे खड़े होकर देख रहा था। कुछ समय के लिए तो वह दंग रह गया कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने महात्मा जी का पीछा करना शुरू किया। अगली सुबह महात्मा जी फिर कंबल ओढ़कर और अंजलि बजाते हुए गांव की फेरी करने के लिए निकले। वे खेतों पर टहल ही रहे थे कि एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा, महात्मा जी, पिछले 3 सालों से मैं अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पा रहा हूँ। काफी मेहनत करता हूँ लेकिन फसल अच्छी पैदा नहीं होती, कृपया आप कुछ कीजिए। उद्धरण चिन्ह। पहले तो महात्मा जी ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा है या नहीं। फिर महात्मा जी उस निराश व्यक्ति की ओर देखते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है। फिर महात्मा अपने उस कंबल को लेते हैं और खेत की मिट्टी पर हल्के से घुमाते हैं और वापस उस व्यक्ति के पास आकर कहते हैं, अब अपनी अच्छी फसल के लिए खूब मेहनत करना। उद्धरण चिन्ह। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मा जी, जब से आपने अपने इस जादुई कंबल को मेरे खेत की मिट्टी पर फेरा है तब से मेरी फसल चौगुनी बढ़ चुकी है और अब मैं खुशी खुशी से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पा रहा हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। वो व्यक्ति फल और सब्जियों से भरी टोकरी को महात्मा जी को भेंट करता है। महात्मा जी उस भेंट को स्वीकार करते हैं और अपनी कुटिया की तरफ निकल जाते हैं।